जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तानी सौंपी गई है। वहीं तेज गेंदबाज दीपक चहर और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की भी टीम में वापसी हुई है। बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी भी टीम में नया चेहरा बनके सामने आएंगे। उनके अलावा ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज सीरीज में हिस्सा लिया था और प्रदर्शन अच्छा दिखाया था। कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और युजवेंद्र चहल जैसे सीनियर खिलाड़ी यह सीरीज नहीं खेलेंगे। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त से होगी। वहीं 22 अगस्त को आखिरी वनडे खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के ऐलान के अंदर टीम ने शिखर धवन को कप्तान बनाया है। उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर का चयन टीम में किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को टीम में मौका मिला। चाइना मैच गेंदबाज कुलदीप यादव भी वनडे में वापसी कर रहे हैं। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रही T20 स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। उन कुलदीप के अलावा स्पिन की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर पे भी रहेगी। दीपक चहर इस साल फरवरी में चोटिल हो गए थे, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए इंजरी हो गई थी। अब वह जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज टीम इंडिया में नियमित स्थान बनाने के लिए जोर बनाएंगे। उसके साथ वहीं T20 विश्व कप के लिए अपना दावा पेश करेंगे। वहीं राहुल त्रिपाठी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की टीम में शामिल नहीं किए गए थे, हालांकि उन्हें इंटरेस्टेड डेब्यू का मौका भी नहीं मिला था, जबकि उनके खिलाफ सीरीज में त्रिपाठी का मिडल ऑर्डर में मौका नहीं मिल सकता था। जिम्बाब्वे दौरे पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कप्तान शिखर धवन के अलावा गायकवाड, ईशान किशन, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन पर होगी। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, दीपक चहर भी टीम में शामिल है। तेज गेंदबाजी में चहर, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल और आवेश खान पर जिम्मेदारी होगी। भारत का पहला मैच वेस्टइंडीज को 18 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा ODI मैच 20 अगस्त को और तीसरा 22 अगस्त को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।